राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। बच्चे को किस करने के मामले में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने सोमवार को माफी मांग ली। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि अगर उनके शब्दों से बच्चे या उसके परिवार की भावनाएं आहत हुई है तो वे माफी मांगते हैं। दलाई लामा ने कहा कि वे दुनिया भर में अपने सभी समर्थकों से माफी मांगते हैं। ऑफिशियली स्टेटमेंट में लिखा गया, दलाई लामा अक्सर मासूम और मजाकिया अंदाज में लोगों से शरारत करते हैं। कई बार ऐसा पब्लिक प्लेस और वीडियो के सामने भी है। हालांकि इस घटना पर वो माफी मांगते हैं। वीडियो किस वक्त का है, कहां पर यह घटना हुई है, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दलाई लामा का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक बच्चा धर्मगुरु से आशीर्वाद लेने आया। दलाई लामा ने उस बच्चे को होठों पर किस कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली। दलाई लामा ने बच्चे से कहा कि क्या तुम इस जीभ को चूम सकते हो। यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने कहा कि एक आध्यात्मिक गुरु का यह व्यवहार घिनौना है। एक यूजर ने लिखा, दलाई लामा का ऐसा व्यवहार देख चौंक गया हूं। इससे पहले भी वो सेक्सिस्ट कमेंट पर माफी मांग चुके हैं, लेकिन एक बच्चे से ऐसा कहना बेहद घृणित है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के।